तो दोस्तों आज हम आए सिकंदर आमलेट वालों के यहाँ पे, जो कि स्वाद के सिकंदर है। बाकी आइए चलिए करते हैं भैया से बात और लेते हैं अपनी आमलेट, कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम आए चावड़ी बाजार स्वाद के सिकंदर जी के पास, जो सिकंदर आमलेट वालों के यहाँ पे। इनके यहाँ पे आमलेट की 100 से ज्यादा वेराइटी है। बाकी हम आपको रेसिपी दिखाते हैं, भैया क्या बना रहे हैं। ये आ गया इनका मक्खन। सर क्या बना रहे हैं आप? 3 अंडे की भुजिया। आपने भुजिया बहुत जगह खाई होगी, लेकिन सिकंदर जी के हाथ के अगर आप भुजिया खाओगे, मैं कहूँ आप हर जगह की भुजिया भूल जाओगे। ये आगे इनके हाथों का स्वाद। ये कहते हैं और वो जायका कैसे बनाया जाता है आप देखिएगा, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिएगा जी। अक्सर अंडे वाले सिर्फ 4 दाने डाल के अगर भूनते हैं और मेरे पास पूरी क्वांटिटी डलती है जी, तो अपने आप में जायका निकलता ही निकलता है। और जायके का स्वाद कैसा आता है ये आप लीजिएगा जी, क्योंकि बनाने का एक अंदाज और मन से खिलाना जी होता है, ये जायका ऐसे चलता रहता है जी। देखिए ये प्यार वाली बातें हैं, जब कोई आता है बड़ी दूर से और वही चीजें मैं खिलाता हूँ जी, और इसी के अंदर ये जायका छुपा है और बनाने का तरीका, ये ध्यान देने वाली बातें होती है और बड़े प्यार से इसको बनाया जाता है। देखिए ऐसे भून भून के निकाला है आपने कभी? इसे आप फायर आमलेट, फायर भुजी भी बोल सकते हैं। देखिए भैया ने नया नाम दिया है फायर भुजिया जी, मगर मैं कहूंगा ये जायकों से बड़ा स्वाद है जो पुरानी दिल्ली के मसालों में गिना जाता है जी जी। ऐसी चीजें कुछ खास बनती है और पूरी 58 की लिस्ट है, ऐसे ही मैं कुछ खास आइटम 58 बनाता हूँ और ये जायके ऐसे ही खिलाता हुआ चला जाता हूँ। को लग रहा 5 मिनट दिखा देना जी, मुझे चीजें भी जाएंगे नहीं। तो आप एक बार भुजिया का कलर देख सकते हैं, मतलब इतने फिनिशिंग के साथ, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मन कर रहा है कि फ्राई पैन में से ही खा जाऊं, मतलब वेट नहीं हो पा रहा हम पे। इनका ये मन कर रहा है कि फ्राई पैन में से खा जाए, मेरा मन कर रहा है कि मैं बारीक बारीक दाना भून के खिलाऊं और बड़ा जायका दे, क्योंकि स्वाद का सिकंदर अपने कुछ जायके बड़े प्यार से बनाते हैं। आइएगा पूरा बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं खिलाने के लिए। अरे भाई क्या कहने भैया के, तो सर कितने साल से चलती आ रही है आपकी ये दुकान? 65 साल पुरानी है। मेरे पापा पटरी पे काम किया करते थे और मैं प्लेटे मांजा करता था, और यहाँ से यहाँ तक स्कूल का बस्ता फेंकना और उस कार्य को करना जी, तो मैं उनके साथ बैठ के 3-3 किलोमीटर चला करता था और प्याज करा करता था जी। मगर फादर की डेथ के बाद जी ये काम मेरे हाथ में आया और मैं आज भी अपने पापा के नाम से काम करता हूँ जी। आपको बताऊँ मेरा नाम सिकंदर नहीं, मेरे बाबूजी का नाम है, और मैं सोचता हूँ जो भी आता है कहता है सिकंदर भाई एक बना दो, तो सोचता हूँ मेरे पिताजी का आशीर्वाद आ गया, मेरी सोच यहाँ जाती है जी, और ये जायके ऐसे ही बनते हुए चले जाते हैं सर जी। सर और बाकी अगर आप पुराने चाहने वाले देखो तो मेरी निगाह में भैया हैं, पापा के टाइम के आए हुए हैं और ये बड़े प्यार से यहाँ तक आए हुए हैं और यही खिलाते हैं और यही ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, क्योंकि यहाँ की भुजिया का भी एक अपना स्वाद है जी। जो भुजिया मैं बनती हुई दिखा रहा हूँ वो पूरी दिल्ली में कोई खिलाएगा तो मैं आपको फ्री खिलाऊंगा, क्योंकि जायके बड़े प्यारे हैं और बड़े भरपूर तरीके से बनाए जाते हैं जी जी जी। क्योंकि अंडे की एक डिश सारी डिश एक साइड और आमलेट की भुजी वो एक साइड। हाँ, सर ये ऐसी चीजें है जो टेस्ट मुंह में रखा जाता है तो ऐसी लगे कि घुल जाए जी, वो चीजें बनती हैं और बड़ी प्यारी खिलाई भी जाती है जी। ये 4 स्लाइस के साथ है जी, खाएंगे ना? तो गाइस ये हो गई हमारी भुजी रेडी। हाँ जी ये भुजिया हो रही है रेडी जी। और ये रहे 2 केचप जी और 2 चम्मच जी, ये भैया की भुजिया रेडी है जी। भैया आप क्या बनाया आपने? ये पिज्जा बन रहा है जी। आपने पिज्जा तो बहुत डोमिनोज पे खाए हो जी, या खाया हो पिज्जा हट के अंदर, मगर ऐसे पिज्जा नहीं खाए होंगे जी, क्योंकि हमारे पुराने स्वाद से गिना जाता है और बाबूजी के टाइम के ये स्वाद है जी, और आज भी हम उसको स्वाद को बड़े प्यार से खिलाते हैं। ये आगे ने ऐसे पिज्जा खाए हैं जो हाथ की कलाकारी से बनते हो और स्वाद के अंदर नंबर 1 हो जी, और अपने बाबूजी के नाम से ऐसे रख के ऐसे बेचे जाए और फिर डाला जाता है ऑर्गेनो फ्लेक्स जी। ठीक है जी, ये लीजिएगा, ये आपका पिज़्ज़ा, ये ऑर्गेनो, ये फ्लेक्स और ये पिज़्ज़ा रेडी जी। आपने पिज़्ज़ा तो बहुत खाए होंगे मगर ऐसे नहीं खाए होंगे जो आपने पिज़्ज़ा हार्ड के अंदर खाए हो, मगर अंडों के अंदर पिज़्ज़ा खिलाना ये बड़ा प्यारा सा जी है। स्वाद के सिकंदर के जायके कुछ ऐसे हैं और अपने बाबूजी से सीखे हुए कुछ कला है जो मैं आज भी पेश करता हूँ अपने अंदाज के अंदर जी। सो मच स्वाद का सिकंदर जी। यस।